रक्षाबंधन और अति नारीवादियों का अंध विरोध रक्षाबंधन के उत्सव पर कौन नहीं जानता। भाई बहन के रिश्ते के महत्व को समझाने वाले इस अभूतपूर्व उत्सव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जहां एक ओर समूचा देश इस पवित्र उत्सव की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है तो वहीं एक वर्ग किसी और कारण से इस उत्सव की प्रतीक्षा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अति नारीवादियों के उस अति विशेष वर्ग की, जिनके लिए रक्षाबंधन और करवा चौथ जैसे त्यौहार उनकी सनातन धर्म के प्रति अपनी कुंठा को जग जाहिर करने के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं होते। परंतु रक्षाबंधन पर्व मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि यमुना ने यम को सर्वप्रथम राखी बांधी थी, परंतु अधिकतर लोग इस बात पर एकमत हैं कि राखी के त्यौहार के महत्व का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में किया गया था। कहा जाता है कि शिशुपाल का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बह रहा था, जिसे रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी को यह उपकार सदैव याद रहा और उन्होंने द्यूत सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण करने पर द्रौपदी के वस्त्र की लंबाई बढ़ा दी, जिससे द्रौपदी का सम्मान भी बचा और श्री कृष्ण ने भ्रातृत्व का दायित्व भी निभाया। किंतु पिछले कुछ वर्षों से अति नारीवादियों का रक्षाबंधन के विरोध में कुछ ओछे बयान एवं लेख निकालना एक आम बात बन गई है। भाई बहन के रिश्ते के महत्व को बताते इस पर्व में भी इन लोगों को पितृसत्ता, रूढ़िवाद एवं नारी शोषण नजर आता है। रोचक बात तो ये है कि इन अति नारीवादियों को राखी में रूढ़िवाद और महिलाओं का शोषण तो दिखता है, परंतु इन सभी को उन धागों में बंधा प्रेम नहीं दिखाई देता। इनके लिए बुरका और हिजाब जैसी रूढ़ियाँ वैकल्पिक रीति हो सकती हैं, परंतु राखी बांधना कभी नहीं। यह वही अति नारीवादी हैं जो हर वर्ष रक्षाबंधन पर अपने ओछे बयानों के साथ सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को अपमानित करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देती। जैसे कि आप खुद पढ़िए, राखी बांधने का मतलब है कि एक आदमी मेरा मसीहा और वो मुझे अपने अनुसार जीवन नहीं जीने देगा। राखी बांधने का मतलब मुझे पुरुष मित्र नहीं बनाने दिया जाएगा। ऑनर के रिंग्स का क्या, अगर मेरा छोटा भाई है तो मेरी रक्षा कैसे करेगा। अब एक और टिप्पणी देख लीजिए, जब तक पुरुष महिलाओं को छेड़ना बंद नहीं कर देता मेरा राखी बांधना किसी काम का नहीं। भला इस बात में कैसे रूढ़िवादिता है। यदि एक भाई अपनी पसंदीदा मिठाई इसलिए ना खाए ताकि अपने जेब खर्च में से थोड़े ज्यादा पैसे बचाकर अपनी बहन के लिए राखी पर एक अच्छा सा उपहार खरीद सके, यदि एक बहन ट्यूशन में एक अतिरिक्त विद्यार्थी को शामिल कर ले ताकि राखी पर अपने भाई को पार्टी दे सके, तो क्या यह पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं। परंतु यदि हमारे वामपंथी बुद्धिजीवियों को रक्षाबंधन में कुछ दिखता है तो वो है पितृसत्ता, रूढ़िवाद और महिलाओं का शोषण। बात केवल यहीं पर नहीं रुकती। यदि राखी के बारे में हमारे अति नारीवादी बात भी करते हैं तो केवल अपनी छद्म धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने के लिए, जिनमें प्रमुख है कर्णवती और हुमायूं के बीच का प्रसंग। हमें अक्सर सुनाया गया है कि कैसे रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया था और कैसे राखी का मान रखते हुए हुमायूं ने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह को हरा कर ही दम लिया। हालांकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आधुनिक इतिहासकार एवरेट जैकिंग्स जूनियर की किताब द मुस्लिम डायस्पोरा अ कंपैरेटिव रेफरेंस टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन एशिया अफ्रीका यूरोप एंड द अमेरिका के अनुसार ये कहा गया है कि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था तो रानी कर्णावती ने स्थिति को भांपते हुए बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी, परंतु हुमायूं को रानी कर्णावती की सहायता के लिए जाने से उनके सलाहकारों ने रोका, क्योंकि एक काफिर के लिए अपने साथी शासक पर हमला करना हुमायूं के सलाहकारों को बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। इस विश्वासघात के कारण रानी कर्णावती को जौहर करना पड़ा और चित्तौड़ एक बार फिर शत्रुओं के हाथ में चला गया। हुमायूं ने भले बाद में इस घटना का बहाना बनाकर गुजरात पर हमला किया, परंतु जो विश्वासघात हुमायूं ने रानी कर्णावती के साथ किया उसका महिमामंडन करने में हमारे अति नारीवादियों एवं छद्म इतिहासकारों ने एक क्षण भी नहीं गंवाया।
सच पूछे तो राखी के त्योहार पर इन अति नारीवादियों की कुंठा को अब लोगों ने भले ही गंभीरता से लेना बंद कर दिया हो, परंतु इनके त्योहार की आलोचना के नाम पर सनातन धर्म को अपमानित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। अंततः इस रक्षाबंधन के उत्सव पर आप सभी अपने प्रियजनों के साथ इसे धूमधाम से मनाएं, राखी बांधना और बंधवाना दोनों का ही आनंद लें, जो भाई और बहन के बीच के प्रेम को दर्शाता है।